हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे साथ होंगे। अभी हम जो जगह जा रहे हैं वो है भुवनेश्वर की मार्केट बिल्डिंग। यहाँ पर चीज़ें ना थोड़ी सी सस्ते में मिलते हैं, सबका कहना यही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं और क्या क्या नहीं मिलते हैं। मैं सब देख सकते हैं कि हम लोग धीरे धीरे से आगे जा रहे हैं और देखते हैं कि मज़ा लेते हैं रात में। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे रोड साइड की दुकान बहुत ज़्यादा रहता है। अभी तो हम एक गली पे हैं और धीरे धीरे जा रहे हैं। फाइनली हम निकल गए और आप लोग देख सकते हैं यहाँ की माहौल कैसी है। चलिए आप लोगों को पहले से ही कहा था कि यहाँ पे रोड साइड की दुकान बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें ना बहुत सस्ते में मिलता है, बहुत मतलब इतना भी सस्ता नहीं, लेकिन हाँ अब जो उम्मीद करते हैं जो प्राइस उससे तो कम में मिल जाता है। और ये लेडीज़ के लिए तो सबसे पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ पे उनके चॉइस की जो चीज़ें होते हैं ना वो कम में मिल जाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेडीज़ थीम सब मिल जाती है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, आगे और भी कुछ है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है। मैंने पहले से भी यहाँ पे आया था, लेकिन कभी ब्लॉग बनाने की जो आइडिया है ना वो कभी मेरे ख्याल में नहीं आती थी। तो फर्स्ट टाइम पे ये आया है, तो जो मैंने सोचा कि चलिए बना देते हैं और आप लोग सबको एक दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब जेंट्स वेयर है, लेकिन जेंट्स वेयर से कई ज़्यादा यहाँ पे लेडीज़ वेयर है। लेकिन हम अब जो साइड में जा रहे हैं ना वो जेंट्स वेयर के साइड पे जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे मेरी तीन दोस्तों के साथ आई हूँ, वो लोग आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे चुपके से वीडियो बना रही हूँ। उन्हें पता नहीं है ये सब बारे में, जब पता चलेगा तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ आने का एक फ़ायदा होता है, मतलब यहाँ दोनों में शॉपिंग मॉल भी है और सस्ते में दुकान से भी आप खरीद सकते हैं। तो जो जैसा चाहा वो ख़रीदा मतलब, लेकिन हाँ यहाँ पे एक सुकून मिलता है। अभी तो 6 बज रहे हैं, लेकिन आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड बढ़ रही है। और अभी हम लोग हॉस्टल से आए हैं, जाने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा है, देखते हैं क्या होता है आगे में। इस मार्केट की ना दो तरफ है, इस तरफ तो मैं आप सब लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ ना जो है वो वेजिटेबल का मार्केट है। वेजिटेबल फ्रूट्स यहाँ पे बिल्कुल सस्ते में मिल जाती है। तो आप लोगों को ये जगह कैसी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो उसे शेयर करिए, लाइक भी करिए। यहाँ पे गए से एक गाना भी शूटिंग हुआ था, लेकिन जब मैंने उस गाने को देखा था तब ये जगह पहचान नहीं पाई थी, लेकिन बाद में मुझे मतलब मैं पहचान गई कि हाँ ये जो जगह है ना वो वही जगह है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ब्लॉग बनाने का आइडिया वहीं पे ही आया था। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लेडीज़ का वेयर है। इसकी जो प्राइस है ना वो कम से कम 150-200 के बीच में ही होगी। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की प्लेइंग टॉयज़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं तो ख़रीदने के लिए यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए। अभी हम लोगों को ना मार्केट के एंड पॉइंट तक जाना ही है, मतलब हम लोग जब से आते हैं मार्केट को उसकी फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक बार घूम लेते हैं। उनके बीच अगर हमें पसंद आ गया कुछ तो हम लोग खरीद ले जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्राउड कितना ज़्यादा हो रही है। ये यहाँ है।
गैस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेडीज का घर है और तरह तरह की जो चीजें आप देख सकते हैं। और आगे देखिए बहुत सारा मतलब इयररिंग्स है और यहाँ पे फिक्स रेट लिखा हुआ है कि अरे 30 मतलब 30 रुपीस में ये सब मिल जाएगा आपको। और कई कई जगह तो आपको 110 रुपये में भी मिल जाती है। गैस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सारा इयररिंग्स है और आगे में जो इयररिंग्स आने वाली है वो देख सकते हैं आप। मतलब इनके प्राइस लगभग 10 रुपये ही आसपास होगा, मतलब 10 रुपये से ज़्यादा नहीं कि 10 रुपये से भी कम नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।